पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह सपा नेता और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता रहा तो बीजेपी की लंका जलेगी, समाजवादी पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। भतीजे से दूरियां मिटते ही चाचा शिवपाल आक्रामक हो गए हैं, वो बीजेपी पर लगातार बरस रहे हैं। जिस भतीजे को वो कोसते थे अब उसका गुणगान कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष बनने से वो ऐसा खींचे कि रास्ता ही अलग कर लिया, अब उसे अपना नेता मानने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। देखिए अखिलेश, पहले तो हमारे भतीजे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब हमारे भतीजे हैं, हमने नेता मान ही लिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। मान ही लिया है सपा से विधायक। हाँ, सपा से वो विधायक हैं, हम भी विधायक हैं सपा से। शिवपाल न केवल अखिलेश की गाथा गा रहे हैं बल्कि बीजेपी पर हमले का लहजा उनका अखिलेश से भी तीखा है। अखिलेश यादव तो बस बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की बात कहते हैं, चाचा लंका बताने से गुरेज नहीं कर रहे। देखिए, हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी, समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। लंका क्यों जली जाती ये समझिए, आप तो समझदार हैं। अगर इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा, झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे, तो फिर समाजवादी पार्टी वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे। शिवपाल यादव उत्साह से इतने लवरेज क्यों हैं? अब जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल लखनऊ के सियासी गलियारे में ये चर्चा जोरों पर है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना सकते हैं। शिवपाल यादव को प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन को तेज करने की जिम्मेदारी देने वाले हैं। इसके अलावा उनके बेटे आदित्य यादव को भी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी तय मानी जा रही है। यही वजह है कि शिवपाल अब अपर्णा को भी सपा में आने का न्योता दे रहे हैं। जितने भी समाजवादी हैं, अगर पक्के समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम तो सबसे कहेंगे सब लोग आओ और सब लोग मिलकर के भाजपा को हटाओ। जब बहू है तो जब भी कोई त्योहार होता, कोई फंक्शन होता तो सब लोग इकट्ठे रहते, परिवार के सुख में दुख में सब में शामिल होते, दुख सुख में सब में शामिल रहेंगे। नेताजी के निधन के बाद साथ आए चाचा भतीजे की ये कवायद इसलिए जारी है क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव, दोनों ये जान चुके हैं कि अलग रहकर सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए दोनों ने अब मन बना लिया है अगर एक होकर हमला किया गया तभी बीजेपी के अभेद्य किले को भेदा जा सकता है, वरना धीरे धीरे राजनीतिक अस्तित्व मिटने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।